जी हाँ स्टूडेंट, अगर आप हैं एनओएस के क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट या फिर आप ऐसे कोई स्टूडेंट हैं जो एनओएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो दो बड़े बदलाव आज एनओएस ने करे हैं अपने एग्जामिनेशन फीस को लेकर और एनओएस के नए एडमिशन को लेकर। तो वो क्या बदलाव हुए हैं उनको लेकर खास चर्चा रहेगी इस वीडियो में, और साथ साथ में ये वीडियो उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण होने जा रहा है जो अभी आने वाले जून में एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर अक्टूबर में इस साल एग्जाम देंगे। तो मेरे स्टूडेंट, आज का हमारा ये वीडियो आपको अंत तक देखना है, बिना स्किप करें, ताकि सारी जानकारी आप तक मिलते रहे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह गुसाई और मैं हूं एनओएस एक्सपर्ट, और हमारा एक चैनल है वीसीआईसी गुरुजी, और इस चैनल पे हम छोटी से छोटी जानकारी और बड़ी से बड़ी अपडेट एनओएस की आप तक लेकर आते हैं। और अगर आप भी हो एनओएस के स्टूडेंट, पहली बार हमारे इस वीडियो में आए हो, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरीके की सारी अपडेट्स आप तक मिलती रहे। आज हम जो वीडियो में बात करने जा रहे हैं वो बात है, सबसे पहले बात करते हैं एनओएस की एग्जामिनेशन फीस को लेकर। जो जून में एग्जाम्स होने जा रहे हैं उन एग्जामिनेशन फीस की लास्ट डेट जो थी वो 31 मार्च 2021 थी, जो कि कल समाप्त हो चुकी है। जी हाँ, जो भी एनओएस के स्टूडेंट्स जून में एग्जाम देने जा रहे थे और जून के लिए एग्जामिनेशन फीस भरना चाह रहे थे, उनको मैं बता दूं 31 मार्च 2021 अंतिम तिथि थी वो एग्जामिनेशन फीस को पेड करने की। लेकिन अगर आप में से कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जो वंचित रह गया हो, जिसे नहीं पता था कि ये डेट लास्ट डेट 31 मार्च है और अभी भी आपने एग्जामिनेशन फीस नहीं भरी है, तो जो भी एग्जामिनेशन फीस है उस एग्जामिनेशन फीस के साथ में आपको एक लेट फीस सबमिट करनी है, जो कि 100 रुपीज पर सब्जेक्ट। जी हाँ, 100 रुपए प्रति विषय के हिसाब से आपको जो है उसमें ऐड करके उसको पेड करना है। यानी जो भी आपकी एग्जामिनेशन फीस बन रही है और अगर वो आपके 5 सब्जेक्ट है, तो आपको 500 रुपए अतिरिक्त देकर आप अभी भी एग्जामिनेशन फीस को सबमिट कर सकते हैं। और लेकिन ये लेट फीस भी आपका 7 अप्रैल तक ही है, 7 अप्रैल से पहले पहले आपको जो है ये एग्जामिनेशन फीस 100 रुपए लेट फीस के साथ में सबमिट कर सकते हो। और अगर कोई कारणवश अगर आप 7 अप्रैल तक भी इस फीस को सबमिट नहीं करते हो, तो एनओएस ने आपको एक ऑप्शन और दिया है, 8 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक आप इस फीस को सबमिट कर सकते हो, जिसमें आपकी एक कॉन्सुलेटेड लेट फीस लगेगी 1500 रुपए की। चाहे आप एक सब्जेक्ट का एग्जाम दीजिए, चाहे 3 का दीजिए, चाहे 5 का दीजिए या 7 का दीजिए, आपको 1500 रुपए एक्स्ट्रा फीस पेड करनी होगी और तब आप जून के एग्जाम को दे सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये थी बात एग्जामिनेशन फीस को लेकर। अब बात करते हैं एडमिशन को लेकर। अगर मैं बात करूं तो अभी तक जो एडमिशन चल रहे थे वो एडमिशन आपके Stream 1 Block 2 इसी साल के लिए हो रहे थे, यानी कि अक्टूबर के लिए, यानी कि 2021 में ही आप एग्जाम दे सकते थे। लेकिन कल इसकी 31 मार्च 2021 ये डेट निकलने के बाद अब अक्टूबर के भी एडमिशन क्लोज कर दिए गए हैं एनओएस की वेबसाइट पर। वहां पर लिखा हुआ आ गया एडमिशन ओपन फॉर Stream 1 Block 1, यानी कि Stream 1 Block 1 अगर अब आप अप्लाई करते हैं 1 अप्रैल 2021 से, तो अब जो आपके एडमिशन होंगे वो होंगे अप्रैल 2022 के लिए। जी हाँ, Stream 1 Block 1 के एडमिशन अभी ओपन हो गए हैं, जो कि अप्रैल 2022 के लिए हैं, और जो एडमिशन Stream 1 Block 2 के हो रहे थे अक्टूबर 2021 के लिए, उनको एनओएस ने बंद कर दिया है। तो ये हमारी आज की पूरी जानकारी, और इसमें हमने साथ साथ में ये भी आपको बता दें कि अगर आपको कोई भी स्टूडेंट एग्जामिनेशन फीस पेड करके एग्जाम देना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द एग्जामिनेशन फीस को सबमिट करिए। और एग्जामिनेशन फीस अभी आप पेड करेंगे, मई में आपका प्रैक्टिकल होगा और जून में एग्जाम होगा, इसका हॉल टिकट मई तक आएगा। सबसे पहले प्रैक्टिकल का हॉल टिकट आएगा, फिर उसके कुछ दिनों बाद ही थ्योरी का हॉल टिकट आएगा। तो ये थी हमारी आज की जानकारी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरीके की वीडियो लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।